देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 42 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एन से होता है दोस्तों नेशनल, आई से होता है इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद इंस्टीट्यूशन फोर, टी से होता है ट्रांसफॉर्मिंग, और आई से होता है इंडिया। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद कर लीजिएगा। और ये दोस्तों भारत सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देखो गाइस, अगर प्रथम पूछा जाए या वर्तमान के अध्यक्ष पूछा जाए, तो आपको बताना है देश का प्रधानमंत्री, जो इसके चेयरमैन होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, डिप्टी चेयरमैन कौन थे पहले, तो प्रथम जो डिप्टी चेयरमैन थे ये थे अरविंद पनगड़िया, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में करंट में कौन है डिप्टी चेयरमैन, तो सुमन बेरी बताना है वर्तमान में। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? ये दोस्तों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, विश्व में सबसे पहले GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहाँ में लागू हुआ या कहाँ लागू हुआ, किस देश में? तो इस देश का नाम है दोस्तों फ्रांस में लागू हुआ था, ठीक है, सबसे पहले GST। भारत में सर्वप्रथम GST कब लागू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जुलाई 2017 को। संविधान के किस आर्टिकल में केंद्रीय सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया, इसका वर्णन किया गया है? तो इसका प्रावधान दोस्तों आर्टिकल 280 में किया गया है, अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन किस प्रकार की संस्था है? तो ये जो है दोस्तों संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, संवैधानिक संस्था। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों नीति आयोग की घोषणा जो है ये 15 अगस्त 2014 को किया गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये तो आपको पता चल ही गया है, 1 जनवरी 2015 को की गई इसकी स्थापना, घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार का थिंक टैंक कौन है? तो थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग कार्य करता है, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुआ है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी ही थे, ठीक ना। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो गठन है दोस्तों ये किया जाता है आर्टिकल 243 झा के तहत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन, टैक्स का जो विभाजन डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच दोस्तों कर का जो टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये करता है दोस्तों वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, ठीक ना। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का जो गठन है ये किया गया था 1951 में, ठीक है। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ, तो प्रथम जो वित्त आयोग का जो गठन किया गया था ये 22 नवंबर 1951 को किया गया था, 22 नवंबर 1951 को, 1951 में। अगर आपसे पूछा जाए कि वित्त आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन थे, तो केसी नियोगी फाइनेंस कमीशन के फर्स्ट पहले जो है चेयरमैन थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए वही पूछ लिया गया है, तो केसी नियोगी आपको बताना है, सॉरी मैंने ऑप्शन ए लगा दिया है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग को मंजूरी कब मिली थी, अप्रूवल कब मिला था? तो 15वें वित्त आयोग को जो मंजूरी है ये मिला था दोस्तों 22 नवंबर 2017 को, 22 नवंबर 2017 को। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है, ठीक ना, पहला ये मतलब किस प्रकार का कार्य करता है? तो ये दोस्तों सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डिप्टी जो चेयरमैनों को किस स्तर का दर्जा प्राप्त है? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है इसे जो दर्जा प्राप्त है ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जो कि सबसे बड़े मंत्री होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अभी मैंने बताया आपको अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे दोस्तों? तो CEO जो थे ये थे दोस्तों सिंधुश्री कुल्लर। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों केंद्रीय वित्त आयोग का जो गठन है ये किया जाता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है, तो याद कर लीजिएगा श्री
वीवीआर सुब्रमण्यम, श्री वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान सीईओ है, ठीक ना। और पहले थे जो आपको पता ही सिंधु श्री खुल्लड़। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है, तो ये इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, ये केंद्र और राज्य दोनों सरकार के ऊपर है, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के ऊपर है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों 15वें वित्त आयोग, हाँ पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था 15वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों, ये एन के सिंह है, एन के सिंह। 14th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे ये थे दोस्तों वाई वी रेड्डी, वाई वी रेड्डी। आगे बढ़ते हैं, कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता, कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता, कौन सा कमीशन कोई वित्तीय मतलब फाइनेंशियल जो है एलोकेशन नहीं करता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ठीक ना। नीति आयोग का ये काम नहीं है, इनका काम है प्लानिंग तैयार करना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपके आ सकता है। 101वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान की, इस पर उन्होंने साइन कब किया था, अप्रूव कब किया था, तो ये राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिली थी दोस्तों ये 8 सितंबर 2016 को और लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, 8 सितंबर 2016 को। भारत में जीएसटी को किस समिति, किस कमेटी के सिफारिश पर, रिकमेंड के आधार पर लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था दोस्तों, इस समिति का नाम है विजय केलकर समिति, विजय केलकर कमेटी, विजय केलकर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन जी जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर है। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन है, जीएसटी बिल को पास करने वाला जो प्रथम राज्य है दोस्तों यह है असम, यह है असम। जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया गया है, तो जीएसटी के अंतर्गत दोस्तों कुल 17 इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल किया गया। जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं, तो जीएसटी संख्या में दोस्तों कुल डिजिट की जो संख्या है यह 15, कुल डिजिट 15 होते हैं जीएसटी नंबर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो गठन है दोस्तों इसकी स्थापना राज्यपाल गवर्नर करता है, जो कि केंद्र सरकार का ही एक प्रतिनिधि होता है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन थे, जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन थे दोस्तों ये थे वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई, तो जीएसटी परिषद की जो स्थापना है ये दोस्तों 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद की स्थापना, जीएसटी काउंसिल की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस आर्टिकल के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था, तो इसका जो गठन है दोस्तों ये आर्टिकल 279 ए के तहत, ठीक है ना, अनुच्छेद 279 ए के तहत किया गया था जीएसटी काउंसिल की स्थापना। आगे बढ़ते हैं, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों दिल्ली में स्थित है। दोस्तों वित्त आयोग का गठन, फाइनेंस कमीशन का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है, दोस्तों फाइनेंस कमीशन का गठन कुल 5 वर्षों के लिए किया जाता है। विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने में भारत का कौन सा क्रम है, कौन सा स्थान है, तो भारत का जो स्थान है दोस्तों ये 161वां स्थान है। जीएसटी काउंसिल में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसमें दोस्तों 33 होती है, 33 मेंबर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल में। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो भारत का जीएसटी दोस्तों कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, जीएसटी ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, ये थे दोस्तों असीम दास गुप्ता। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आप और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को